हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सानी और डेली हिंदू अनाउंसमेंट में आपका स्वागत है। 10 मई आज हो चुकी है और आज थोड़ा सा लेट है लेसन, कुछ पावर कट के इश्यूज थे तो अभी अपलोड हो पाएगा ये लेसन। सो अराउंड 10 o'clock हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को और जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं लेसन के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कोई सा लेसन आपको छोड़ना नहीं है। पीआईबी के अंदर और भी ज्यादा लेसन जो है अपलोड होंगे, अभी हम डिस्कस कर लेंगे जो कल जो क्वेश्चन दिए थे। बाकी दो क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ और जो आज का पीआईबी का लेसन होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं शाम को, तो उसको बिल्कुल भी हम छोड़िएगा मत। सो ये है कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज, जहाँ पर इन नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हो और ये वेबसाइट एड्रेस है। ये सारे ही कोर्सेज अवेलेबल है, 60% ऑफ भी चल रहा है अभी, तो इम्पॉर्टेंटली आपको हेल्प मिलेगी। और ये जो वर्ड्स हैं जो आज मुझे मिले हैं इनको आप ढूंढना और यूज़ करना सेंटेंसेस के अंदर। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के रिगार्डिंग न्यूज़ थी। देखिए, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर ये मेनली मिलते हैं। चंबल रिवर जो है वो घड़ियाल के लिए फेमस है, घड़ियाल की सेंचुरी भी है चंबल रिवर के ऊपर। तो चंबल रिवर जो कि और MP से निकलती है और फिर राजस्थान में बहती हुई और इधर यमुना मिल जाती है, तो ये चंबल रिवर वहाँ पर है। यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नहीं मिलते हैं क्योंकि सॉल्टी वाटर वहाँ पर कहाँ से आएगा, तो समुद्र में होता है। भितरकनिका ये स्पेसिफिक प्लेस है जो कल हमने पढ़ा भी था कि यहाँ पर ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए काफ़ी फेमस है। इंडिया की अधिकतर जो पॉपुलेशन है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की वो भितरकनिका में मिलती है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी ये मिलते हैं। सो 2 and 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ये बड़े होते हैं साइज में और काफ़ी डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज जो एंडेमिक है अंडमान निकोबार के लिए, एंड एंडेमिक मतलब कि वहीं पर ही मिलती हैं स्पेसिफिकली और वहीं पर लिमिटेड है। तो नारकोनम हॉर्नबिल जो है नारकोनम आइलैंड पे मिलता है, ये इसके नाम पे इसका रखा हुआ है जो नोमेनक्लेचर है, तो ये बिल्कुल सही है। डुगोंग सीकाउ, देखिए डुगोंग सीकाउ जो है इंडिया का जो जो सदर्न कोस्ट है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्ट्रेट यहाँ पर मिलती है, इस जगह मिलती है। और इधर बाकी जो एरियाज हैं इसका एक्सपेंशन काफ़ी इस साइड भी होता है वेस्ट साइड में, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते हैं ये कोई एंडेमिक है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा, इंडो पैसिफिक हमबैक डॉल्फिन, ये अंडमान निकोबार में मिलती ही नहीं है, ये बाकी सारे ईस्टर्न पार्ट में मिलती है। इसका भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा देता हूँ। पहला इसमें सही हो जाएगा, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये ही एंडेमिक बोला जा सकता है, क्योंकि एंडेमिक का मतलब है कुछ। ये सारे बर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली यहीं पर एंडेमिक होते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, ठीक है। ये अंडमान वुड पेकर काफ़ी फेमस है और अंडमान ट्री पाई भी काफ़ी फेमस है, और इसके अलावा अंडमान क्रेक है, ब्राउन कोकल है, ये सारे बहुत फेमस हैं। ये देखिए, ये है नारकोनम हॉर्नबिल, ठीक है। एक तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल होता है जिसका क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, वो तो मिलता है वेस्टर्न घाट के अंदर, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है BNHS उसका लोगों के ऊपर भी इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल आता है, ठीक है। और वैसे हॉर्नबिल जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड के अंदर, तो वो अलग है जो इससे। ये नारकोनम हॉर्नबिल है जो नारकोनम आइलैंड में मिलता है। नारकोनम आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलता है, अंडमान आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। तो ये है, और ये जो है इंडियन ओशन हमबैक डॉल्फिन है जिसको सोसा प्लम्बी बोलते हैं, और ये डेल्फिनिडी फैमिली के अंदर आती है। इसका देखिए एक्सपेंशन ये है, ये सारा इंडिया का कोस्ट और ये अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर ये मिलती है। अंडमान निकोबार आइलैंड में कोई एंडेमिक ये नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा सही। ये देखिए, ये जो वुड पैकर है, जो इंपीरियल पिजन है, निकोबार इंपीरियल पिजन, ये भी काफ़ी फेमस होता है, तो ये इसके एंडेमिक है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के। और बाकी दूसरा हॉर्नबिल वो अलग होता है, इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल वो वेस्टर्न घाट में मिलता है मेनली और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है। यह डुगोंग का देखिए, ये सारा यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, ये सारे इस एरिया में इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसमें सारे जगह ये मिलती है डुगोंग। ये मरीन मैमल होता है और ये हर्बीवोरस है, ये याद रखिए, ये कार्निवोरस नहीं होता है, मांस नहीं खाता, ये हर्बीवोरस होता है, मरीन मैमल है, बहुत स्पेसिफिक है। डुगोंगिडी का एक अकेला फैमिली का ये मेमोरी बचा हुआ है, इसको स्टेलर्स सीकाउ भी बोलते हैं, और इसको इतना हंट किया गया कि एक्सटिंक्ट हो गया था एक बार तो, लेकिन अभी ये चल रहा है और वल्नरेबल इसका स्टेटस है। और ये जो इंडियन हमबैक डॉल्फिन जो ये है, ये एंडेंजर्ड है IUCN के अंदर, एंडेंजर्ड है याद रखना, क्रिटिकल नहीं है, सिर्फ एंडेंजर्ड है, और ये वल्नरेबल है और इसको प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है Schedule 1 के अंदर भी। तो ये डुगोंग है, ये वेस्टर्न कोस्ट इंडिया का यहाँ पर मिलती है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन मिलती थी इस एरिया में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी इसको हंट किया गया था तो काफ़ी कम हो गई। नेक्स्ट, डोयांग डैम, डोयांग रिवर है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, नीचे से मिलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, तो यहाँ पर इसके ऊपर ये बना हुआ है। और अमर फाल्कन का नाम पूछा है कि यहाँ पर ये काफ़ी पॉपुलेशन इसकी आती है। ये अमर फाल्कन जो है वो क्या होते हैं, ये आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हंट किए गए थे नागालैंड के अंदर, इसके लिए बहुत फेमस ये हुआ था ये इंसिडेंट, मतलब इनफेमस था नहीं बोल सकते हैं, तो ये नागालैंड में हुआ था। तो नागालैंड का जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम वाक हुआ ऐसा कुछ शायद उसका नाम है, मैं भूल गया हूँ।
तो वहां पर ये डोयांग रिवर और ये डैम बना हुआ है। नेक्स्ट ये है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। देखिए ये यूएनएफसीसीसी के अंडर ही हुआ था। एक तो है लीस्ट डेवलपमेंट क्लाइमेट फंड LDCF, उसमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ही फाइल कर सकती हैं, कोई भी मतलब डिमांड कर सकती हैं, लेकिन उसके उसको एक कॉम्प्लीमेंट करता है SSCF और ये UNFCCC के अंडर हुआ था, तो पहला गलत हो जाएगा। ये CBDA है, ये बायोडायवर्सिटी के रिगार्डिंग है कन्वेंशन, दोनों एक ही टाइम बने थे 1992 के बाद में, और जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरो के अंदर, तो वहाँ पर ये स्टैब्लिश हुए थे UNFCCC, UNCBD और UNCCD, ये सारे वहीं पर स्टैब्लिश हुए थे। इसमें अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर कैपेसिटी बिल्डिंग इन सबके रिगार्डिंग फाइनेंसेस ही देता है डेवलपिंग कंट्रीज को भी, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का जो क्वेश्चन है वो इसमें जुड़ा हुआ है SCCF में। LDCF में डेवलपिंग कंट्रीज नहीं लगा सकती हैं, लेकिन SCCF में लगा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें 2 ओनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए LDCF को ये सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करता है, और ये वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनके लिए भी ओपन होता है SCCF, अनलाइक द LDCF। तो दोनों के रिगार्डिंग आपसे पूछ सकते हैं। माराकेश में समिट हुआ था COP 7 2001 के अंदर, तब ये एस्टैब्लिश हुआ था और उस टाइम इसको डिस्कस किया गया था। तो ये सारा इशू है इंपॉर्टेंट SCCF के रिगार्डिंग। इनके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट सेक्शन के अंदर, हर साल ही आते हैं, और 20 से ऊपर क्वेश्चन एनवायरमेंट सेक्शन से आते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट का जो प्रीलिम्स है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का वो उसके साथ ही होता है, इसी से सेलेक्ट होते हैं वो लोग, इसलिए उसको भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये भी बहुत फेमस है और UNFCCC के अंडर ही फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही है, यही बिल्कुल जो है एग्जैक्टली करेक्ट है। अडेप्टेशन और मिटिगेशन, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है AMP, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स। ये ANM का जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लाइमेट चेंज के सारे इशू के अंदर, इसको काफी एम्फेसिस मिला था 2013 के बाद में से, और अभी ये चलता आ रहा है, और जितने भी जो इसमें प्रोग्राम्स मतलब इनिशिएटिव होते हैं उसमें अडेप्टेशन और मिटिगेशन की बात आती है। अडेप्टेशन मतलब कि अडेप्ट करना है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और फिर मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज को, तो ये है। तो इसके रिगार्डिंग ये सारा इसका एम्फेसिस है, फाइनेंसिंग है, जो भी कुछ है ये काम करता है GCF, तो ओनली सॉरी बोथ 1 और 2 दोनों ही इसमें करेक्ट हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। देखिए GCF जो है इंचियोन साउथ कोरिया में बेस्ड है, इंचियोन ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, बहुत स्पेसिफिक आप याद रखना, इंचियोन साउथ कोरिया में ही उसके लिए फेमस है, यहाँ पर इसका मेन हेडक्वार्टर है, और अडेप्टेशन और मिटिगेशन पार्टीज के लिए सॉरी प्रैक्टिसेस के लिए ही ये होता है, ठीक है, UNFCCC के अंडर है और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, ये आपको याद रखना, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है यहाँ पर, याद रखना। नेक्स्ट NACS, देखिए US ने एक बार ये स्टार्ट किए थे, फिर ये अपनाए गए थे और कंट्रीज के द्वारा भी। NACS इसको बोलते हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेड है, आर्सेनिक नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, याद रखना। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर दे रखे हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, SO2 और NO2, लेड PB, ओजोन O3 जो ग्राउंड पे बनती है वो ओजोन है ये, ठीक है, जो कैसे बनती है NOx प्लस जो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं PCHCs, और इनकी रिएक्शन होती है आपस में कब, सनलाइट की जब प्रेजेंस होती है, तो गर्मियों में बहुत जो रोड के ऊपर जो पोल्यूशन होता है वहां पर, और जब बहुत तेज धूप होती है उस टाइम पर ओजोन क्रिएट होता है ग्राउंड के ऊपर, तो ये ओजोन ऐसे बनता है, ठीक है, तो ये भी इसमें है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, तो ये है इसका NACS का सारा फॉर्मूला। और दूसरा आपको पढ़ना है इंडिया के अंदर जो नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो चल रहा है वो भी आपको पढ़ना है, जो चलाता है CPCB और वगैरह जो बॉडीज हैं, और इसके अलावा जो हमारा जो नाकी जो आया था नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आया था नाकी, तो ये हमने लॉन्च किया था कुछ साल पहले, तो ये आपको याद रखना, एक सफर ऐप है जो हमने लॉन्च की थी इसके रिगार्डिंग, इन सबको पढ़ लेना, पोल्यूशन और गवर्नेंस दोनों के इश्यूज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी गोल चल रहे हैं उसके अंदर हमारा एनवायरमेंट का और ये जो सेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। EIA का जो इशू होता है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने पुश किया है फुल स्ट्रेंथ के लिए, देखिए फुल स्ट्रेंथ अभी तक 31 मैक्सिमम हो सकती है, किसके पास अधिकार होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन पार्लियामेंट के पास में अधिकार होता है कि वो नंबर्स को चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है, लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं जजेस वो होते हैं कॉलेजियम सिस्टम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जो उसके बाद उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो होते हैं इस पैनल के अंदर, इस कॉलेजियम के अंदर, और वो सेलेक्ट करते हैं और वो फिर गवर्नमेंट को भेजते हैं, गवर्नमेंट को फिर अपॉइंट करवाना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट ने एक जो था बोपन्ना और
गवाही के रिगार्डिंग ये बोला था कि ये नहीं सेलेक्ट होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने और दोबारा से बोल दिया है कि रिकमेंड इनको दोनों को किया जाए, ये अनिरुद्ध बोस और बोपन्ना इन दोनों के रिगार्डिंग बात थी, और इनको दोबारा से रिटरेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको ही करना पड़ेगा। तो अभी जो है ये सीनियोरिटी का नंबर देखिए, जो गवाही है इनके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो मेंबर्स हैं यहाँ पर होने चाहिए, SC ST का जो कम्युनिटी वो रिप्रेजेंट होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये पहले जज यहाँ पर होंगे जो बॉम्बे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, ये नया रिकमेंडेशन है। तो ये भेजा है गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट जो है वो प्रेजिडेंट को बताएगी और प्रेजिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। तो ये होता है सिलेक्शन सारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है, पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है इनके नंबर्स को ऊपर नीचे करने का, और बाकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के हाथ में मेनली होता है। नेक्स्ट, नेवी ने ज्वाइन कर लिया साउथ चाइना सी के अंदर एक्सरसाइज। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था किंगडाओ के अंदर, और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है, चाइना कर रहा है उसमें, इंडिया से INS कोलकाता और INS शक्ति जो है वो रिप्लेनिशमेंट शिप है कि जो बाकी जो फ्लीट चलता है उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसको रसद का सामान और वो बाकी जो जो फ्यूल है ये सब जो सप्लाई करने के लिए ये शक्ति साथ में होता है, और कोलकाता जो है वो मिसल डिस्ट्रॉयर है। ये बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, इस बार इसका नाम बहुत बार पूछा गया है तो जरूर आ सकता है प्रीलिम्स इस बार, तो याद रखना। और ये चाइना में गए हैं, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू चल रहा है, इंडिया ने भी 2016 के अंदर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किया था और अभी ये वहां पर कर रहा है। PLA जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी या फिर नेवी का जो उसका कंपोनेंट है, चाइना की जो मतलब ये फोर्स है उसके 70th एनिवर्सरी है, तो उसके उपलक्ष्य में ये लोग IFR कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने ये दो शिप्स हमारी भेजी हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह हमने नहीं भेजे हैं, बाकी इसमें और देश भी शामिल हो रहे हैं, जापान है, फिलीपींस है और साउथ कोरिया है, वियतनाम है, ये सब है। ओके, नेक्स्ट, बैंक क्रेडिट ये बढ़ गया है 13.2% फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर, ये डेटा अभी सामने आया है। देखिए सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ है, 23.7% की ग्रोथ है, और रिटेल सेक्टर के अंदर ये 16.7% की ग्रोथ है, इसका मतलब इनको ज्यादा लोन मिले हैं, और ये इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर 5.6% ही है, और डिपॉजिट जो है वो 10% से ही सब सिर्फ ग्रो किए हैं, तो इसका मतलब ये क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ी है बैंकों की। और जो लिक्विडिटी क्रंच जो फेस किया है NBFCs ने, उससे बैंक बेनिफिट हुए, क्यों? क्योंकि NBFCs बहुत परेशानी में चल रहे हैं, IFLSS का जो इशू हुआ था उसके बाद में NBFCs को एक तो फाइनेंसिंग के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनके पास लिक्विडिटी का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस बार NBFCs के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि NBFCs क्या होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बैंकों से कैसे अलग होती हैं, और RBI जो रेगुलेट करता है कुछ को सबको नहीं करता है, ये भी आपको याद रखना है, यह मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है पहले क्लासन के अंदर। और बाकी जो है ये जो इंपॉर्टेंटली इनका वर्किंग किस तरह से होता है, क्या क्या कंडीशंस इनके ऊपर लागू होती है वो आपको देखना होगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी बेटरमेंट हुआ है, लेकिन बेस इफेक्ट है, बेस इफेक्ट आपसे पूछ लेंगे क्या है। बेस इफेक्ट ये होता है कि पिछले साल जो था उसके कंपैरिजन में बढ़ा है, जबकि ओवरऑल देखें तो इतना राइज नहीं है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली 5% का ग्रोथ होता है, नॉर्मली मान लीजिए पिछले साल लेकिन 10% का माइनस में ग्रोथ था, मतलब कि उल्टा नुकसान हो गया था, तो अब की बार कितना डिफरेंस निकल के आएगा 15% का। अगर आपके पास 5% भी होता है तो वो पिछले साल के बजाय वो 15 ऊपर है, तो इसका मतलब ये 15% का हो गया। ये मतलब छोटा समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि बेस इफेक्ट होता है कि पिछले साल के की जो बहुत कमजोरी थी या फिर उसका डेटा बहुत कम था उसके कंपैरिजन में बढ़ गया है, तो वैसे कोई बड़ा इसमें चेंज नहीं आया है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के अंदर। तो ये सारा डेटा है RBI ने दिया है, और ये चुनाव से पहले काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बड़े आर्टिकल्स तो आएंगे ही, तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया ऐड करेगा 3 मिलियन टेक जॉब्स बाय 2023। देखिए टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गिवर है भी और चल भी रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर ही सारी चल रही है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी है, कोई एजुकेशन है, कोई रिसर्च है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। तो अभी और ये डेटा जो है ISF ने दिया है, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन है, ये जो एपेक्स बॉडी है फ्लेक्सी वर्किंग इंडस्ट्री के लिए जो थोड़ा सा कन्वेंशनल नहीं होता इतना, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बिग डेटा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारे कनेक्टेड इश्यूज हैं और मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, तो ये सारे ही बूस्टर्स होंगे यहाँ पर जो जॉब्स को बढ़ावा देंगे, और 3 मिलियन टेक जॉब जो है वो 2023 तक चलेंगे। देखिए इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की जो पॉलिसी है जो नई अभी रिवील हुई थी उसके अंदर भी यही हमारा टारगेट है
कि अधिकतर जो है छोटे शहर टीयर टू और टीयर थ्री जो सिटीज़ हैं उनके अंदर स्टैब्लिश किए जाएँ, जैसे जो बीपीएस वगैरह के जो इंडस्ट्रीज होती हैं वैसी स्टैब्लिश की जाए और जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्रिएट किए जाएँ और 10 लाख से ऊपर क्रिएट करने हैं और उसी के हिसाब से उनको जॉब्स भी दी जाएंगी। तो उस पॉलिसी को भी आपको याद रखना है इस बार जो आई है। नेक्स्ट, अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। ये सारा पॉलिटिकल है, नहीं काम का है, ये भी रिपीटेड इशू है, इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। वही सीजीआई के इशू के लिए है, एक दूसरा एंगल ही दे रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस को बोला जो जा रहा है कि नेचुरल जस्टिस इसमें नहीं फॉलो हुआ है, वो इसमें फॉलो हो रहा है ये कह रहे हैं। तो ये काउंटर आर्गूमेंट है जो कि तीन दिन से जो आ रहे हैं आर्टिकल उनके थोड़ा सा अगेंस्ट ये आर्टिकल है। एंडलेस वॉर देखिए इसके अंदर, और बात इतनी सी बोली गई है कि यूएस जो है वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और वो जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही है सारे स्टेक होल्डर्स के अंदर, क्योंकि न तो उसकी तालिबान चलने दे रहा है, ना ही उसको कोई बड़ा सपोर्ट प्रैक्टिकली मिल रहा है अमेरिका से, और लोगों से भी कम मिल रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तालिबान का ज्यादा हो गया है, और जो वो इतना कमजोर फील कर रहे हैं, अभी इलेक्शंस भी थे लेकिन वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं प्रेसिडेंट के जो थे, और जो सिचुएशन जिसको बोलते हैं कंट्रोल में नहीं है उनके पूरी कंट्री की, तालिबान का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरा इशू ये भी है, उसने एलिगेशन जो ये लगाया था कि यूएस जो है जो खलीलजाद जो आए थे जमे जो उनके एनवॉय जो उन्होंने भेजे थे अमेरिका ने तालिबान से बात करने के लिए, कि वो इंपॉर्टेंस तालिबान को ज़्यादा दे रहे हैं और यहाँ पर उनका जो फोकस है अमेरिका का वो अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप को एस्टेब्लिश करने में कम है। तो ये एलिगेशन यूएस के ऊपर है कि वो हमें कम सपोर्ट कर रहे हैं और तालिबान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है, और तालिबान अपनी पूरा मतलब मनमानी पे आया हुआ, जो जैसे उसको जच रहा है वैसे ही वो स्टेटमेंट दे रहा है, और ये भी कह रहा है कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाद में, हम ही यहाँ पर जो है गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ बनाएंगे। तो ये उनका ओपन स्टेटमेंट आ रहा है लगातार, लेकिन अफगान गवर्नमेंट जो है वो यही चाहती है, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट यूएसए का है उसमें वो भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना है और डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यहाँ पर एस्टैब्लिश करना है, और हम जहाँ पर जाएंगे तो एग्जिट के बाद में कोई भी इशू ऐसा खड़ा नहीं होना चाहिए कि रीजनली इंस्टेबिलिटी खड़ी हो जाए और ये जो टेरर ग्रुप्स हैं वो फिर से मजबूत हो जाए। लेकिन जो तालिबान के साथ जिस तरह से बात चल रही है उस तरह से यही लग रहा है कि अमेरिका बस अपना पिंडा छुड़ाना चाहता है, यहाँ से जाना चाहता है और पीसफुल एग्जिट उसका हो जाए, बाद में उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है। जो प्रैक्टिकली जो उनके एफर्ट्स चल रहे हैं वो इस तरह से हैं, ये एलिगेशन है अफगान गवर्नमेंट का, तो ये इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, लाउड एंड क्लियर, इसमें देखिए इसको हम डिस्कस कर लेंगे, जो अभी इश्यूज इतने सारे खड़े हुए हैं जिसके रिगार्डिंग कल भी आर्टिकल आया था कि यूएस के साथ में जो हम डील कर रहे हैं, जो लगातार प्रेशर यूएस की तरफ से भी आ रहा है, और जो ट्रेड और टैरिफ के जो इश्यूज हैं वो इतने स्मूथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अगेंस्ट है हमारे एस्पिरेशन के, और पास्ट में भी जो इश्यूज आए उसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। जीएस पेपर 2 के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला भी जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये भी जीएस पेपर 2 के लिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल ये इशू है। वॉक्स पॉपुलाई, ये देखिए ये बात बोली गई है इलेक्शंस के रिगार्डिंग, इसको हम देखेंगे। इसमें बात ये भी बोली गई है कि आज के दिन इलेक्शन इतने मतलब फेमस तो हो ही गए हैं, तो ये अवेयरनेस सबके अंदर आ ही गई है। अब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कोई चुनाव जीतने के लिए या फिर ऐसे ही एक्सरसाइज नहीं है, ये कह रहे हैं प्रेजेंटेशन की एक्सरसाइज है। तो जो निजामाबाद में हुआ है 178 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है क्योंकि वो फार्मर्स हैं और सोरगम और टर्मरिक उगाते हैं लेकिन उनके इश्यूज एड्रेस नहीं हुए हैं, इसलिए वो सारे के सारे और चुनाव लड़ने खुद खड़े हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि ये पास में भी ऐसे इश्यूज हुए हैं, उसके रिगार्डिंग छोटा सा आर्टिकल है, इसको भी हम देखेंगे। जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट है जो आपको पढ़नी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चलती है, चले स्टार्ट करते हैं। लाउड एंड क्लियर, न्यू दिल्ली जो है ये कह रहे हैं कि इनको जो है ये जो डिनायल है और ये जो डिस्कॉर्ड जो खड़ा हो गया है यूएस के साथ में, इसमें ये कह रहे हैं कि एक तो अभी चुनाव चल रहे हैं तो कुछ ज्यादा कुछ मतलब अभी इसमें डिस्कस नहीं हो सकता है, ना ही उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं गवर्नमेंट। अभी बात यह है कि जो ही चुनाव एंड होते हैं उसके बाद में दोनों को रिलू करनी पड़ेगी अपनी अपनी पॉलिसीज। जहां बात है इंडिया की, जैसे मान लीजिए इन्होंने बात की है अमेरिकन लिकर की और जो 50% ड्यूटी मोटरसाइकिल्स वगैरह के ऊपर है उसके ऊपर भी इंडिया को रीलुक करना पड़ेगा, सेकंड लुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी चीज़ सही है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अगर 50% और 150% तक ड्यूटी लगेगी तो ऑब्वियसली वो लोग इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं होंगे और ये उनको मिफ्ट करेगी। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो भी यही रिटेलिएटरी मेजर्स अपनाएंगे कि हम भी आपकी इश्यूज़ के ऊपर ये पोज करेंगे, जो आप इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर अमेरिका में हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये टैरिफ वॉर जो है ये दिक्कत वाली बात है, इतना तक बोल दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये बोला है जिसमें जो रॉस जो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो बोल रहे थे कल, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया टैरिफ किंग है। ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग बोला था कि इंडिया हर चीज़ पर टैरिफ लगाना चाहता है, हर चीज़ बाहर की नहीं खरीदना चाहता है यहाँ पर, और
प्रमोट सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को करना चाहता है और एक्सपोर्ट भी करना चाहता है दूसरे देशों को, तो ये चीज कैसे होगी? और उसने थ्रेटन किया था इंडिया को कि वो यूएस जो है वो भी टैरिफ लगाएगा और काउंटर टैरिफ जो होने वाले हैं इंडिया के अगेंस्ट में वो बड़े होंगे फिर, और अभी तक जितना नहीं एस्केलेट ये इशू हुआ था उतना एस्केलेट होगा। तो ये धमकी सी एक तरह से इन्होंने दी थी और ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड पैकेज जो भी कुछ हम डिस्कस करते हैं, जो भी कुछ मतलब फाइनलाइज होता है, उसके अंदर इंडिया अपना जिसको बोलते हैं कि अपना इंटरेस्ट देख के चला जाता है और अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज लगा दी जाती हैं। अब बात यही है कि सब अपने अपने प्रोटेक्शन की बात करते हैं और अमेरिका तो पूरा ही प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर आया हुआ है, डेवलप्ड कंट्री है, सबसे मजबूत कंट्री है, फिर भी उसके ये इश्यूज हैं, तो उसका एक इनसिक्योरिटी भी दिखती है कि फ्यूचर के अंदर उसका जो डिक्लाइन एक तो दिख रहा है उसके कारण उसकी टोन जो ज़्यादा हार्श हो गई है। अब इंडिया के साथ भी हार्श टोन है, जबकि वो ये भी भूल गया है कि हमारा कितने क्लोज रिलेशन जो है वो मेंटेन हुए हैं जस्ट रीसेंट पास्ट के अंदर, तो उसका भी कोई यहाँ पर फर्क नहीं दिख रहा है। और ये जो वॉर्स है, ट्रेड वॉर्स जिसको बोल सकते हैं, मतलब वॉर्स तो नहीं है, एस्केलेशन है, वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे चाइना के साथ में चल रहा है वो ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है एक तरह से, ऐसे ही कह रहे हैं कि यहां पर ट्रेड वॉर खड़ी हो सकती है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। तो उसके रिगार्डिंग ये कह रहे हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं है कि दोनों इस इशू को और अग्रेसिवली डील करें। रिटोरिक्स जो होते हैं नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी में उनको दोनों को ही इसमें रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के जो इश्यूज हैं वो भी अब पहले की तरह नहीं एड्रेस किए जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया अब इतना कमजोर कंट्री नहीं रहा। हम ग्लोबली ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़े कंट्री बन रहे हैं, सिक्स कंट्री बन गए सबसे बड़े और जल्दी ही 2030 तक हम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएंगे, तो फिर वो हमारे इश्यूज़ को क्यों एड्रेस करेंगे इस तरह से? ईरान ऑयल के रिगार्डिंग जो ट्रंप ने जो पॉलिसी अपनाई है, माई वे और हाईवे, मतलब कि या तो हमारे हिसाब से चलो या फिर झेलो जो भी कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं बाद में, तो ये इंडिया को भी सीधा एक तरह से इनडायरेक्टली बोल दिया गया है, क्योंकि जब वो कोई एडजस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं है तो फिर इसका मतलब ये वही लाइन है कि माई वे और द हाईवे, इंडिया को ये बोला गया इनडायरेक्टली। अब इंडिया को इसमें अग्रेसिवली चलना है या फिर कोई एडजस्टमेंट इसमें करने हैं या फिर कोई दोबारा से हाई लेवल टॉक्स की जरूरत है, जो कि नीड तो है ही, अल्टायर नीड है, और ये आगे अगर स्मूथली लेके चलना है तो नेक्स्ट जब गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के बाद में तब ये फिर से रीलुक होंगे। और ये भी एक रीजन है कि इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन खड़े हो रखे हैं जो कि चुनाव से पहले हैं, लेकिन बाद में देखिए क्या होता है ये हमें देखना होगा, लेकिन फॉर श्योर चुनाव के बाद में इसको डील करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को और इन इश्यूज को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हम इस तरह से चल सकते हैं कि कोई मनमाने हमारे ऊपर कोई लगा दिए जाएं, सैंक्शंस लगा दिए जाएं, और ना ही हम कोई मतलब झुक सकते हैं इतना ज़्यादा। हाँ ये ज़रूर है कि इंडिया का जो स्टैंड जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है और जो इंडिया की इमेज थोड़ी सी राइज कर रही है और जो कैपेसिटी बढ़ रही है उसके हिसाब से पहले की तरह तो एड्रेस नहीं होगा, ये भी इंडिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है उस पर हमें बड़ी डिबेट करनी पड़ेगी और ये चुनाव के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, बाय एस्टेब्लिशिंग लॉ एंड प्रोसीजर, इसके अंदर देखिए राइटर ये कह रहे हैं, बाकी तो सारे रिपीटेड इश्यूज़ हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो लीगल प्रेसिडेंट की बात की है इन्होंने कि जो इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ये जो केस 2003 का है इसके अंदर जो एक प्रोसीजर था और एक 1999 का जो इंटरनल रिव्यू कमेटी का जो एक पहले का प्रेसिडेंट था उसका रेफरेंस यहाँ पर लिया गया था। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो अपनाया गया है इस बार इन हाउस कमेटी वाला वो पहले के प्रेसिडेंट को देखते हुए उसका रेफरेंस लिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो जजेस हैं नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो इसमें शामिल हैं, जो जस्टिस बॉबडे हैं उनका पैनल है, तो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी इनकॉम्पिटेंट नहीं है और वो बहुत ही समझदार और सीनियर जजेस हैं और उनके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस भी नहीं उठाने चाहिए टोटली ये बोल के कि ये मतलब नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ है और जस्टिस जो है पूरा डिनाई कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि पहले जो प्रोसीजर है उसके अंदर राइट्स तो हैं कुछ, तो जो कंप्लेनेंट है जो लेडी है उनके लिए राइट्स हैं वहाँ पर, और उसमें ये था कि पहले कोई अगर जज के रिगार्डिंग कोई आती है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिगार्डिंग या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के रिगार्डिंग आती है या फिर सिंपल जज ऑफ द हाई कोर्ट के रिगार्डिंग आती है तो तीनों के रिगार्डिंग अलग अलग प्रोविजंस हैं। इस केस में जो है सीजीआई के ऊपर ही एलिगेशन है, इसलिए जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको ये आगे फॉरवर्ड की गई है कंप्लेंट जो है और उनके पास इशू है और उन्हीं का पैनल है। इसमें दो विमेन जज भी हैं पैनल के अंदर, इसलिए भी ये कह रहे हैं कि कमेटी एफिशिएंट है और उसको सुन सकती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि टोटली 100% इस तरह से सोचना कि जो है सीजीआई वो उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन किया है और जो कोर्ट है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, पूरा डिनाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी एक लॉजिकल बात है कि कोई भी इशू जब जाता है तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सब कुछ जो है जो डिटेल्स है सब कुछ है वो हर चीज़ ओपन नहीं आती है पब्लिक के अंदर,
तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अल्टीमेट ट्रस्ट होता है एक लास्ट के अंदर उस बॉडी के ऊपर, तो इसका मतलब वो ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि वो कुछ डिसीजन जो देते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद देते हैं और वो नेशनल मतलब जिसको बोलते हैं इश्यूज को देखते हुए ही वो डिसाइड करते हैं क्रूशल इश्यूज को, और पास्ट में उसने ऐसे डिसीजन दिए हैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए 100% ये डिसबिलीव करना उस सिस्टम के ऊपर कि वो सही नहीं कर रहे हैं इस तरह से प्रोसीडिंग करके, ये गलत है। ये सीनियर जजेस हैं और ये काफी एफिशिएंट हैं और इनको भी पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आज कुछ गलत करेंगे कल को उसका क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा ये भी उनको पता है। इसलिए इसके ऊपर 100% क्वेश्चन उठाना ये सही नहीं है, यही सारा सार है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। बाकी सारे रिपीटेड इश्यूज हैं जो पहले भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने यही बोला है, और जो बात कमेटी की है जिसमें मैंने बोला कि उसमें दो वुमेन जजेस भी हैं इसलिए भी, और ये सही नहीं होगा कि पूरा इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना। हालांकि ये जरूर है कि जो ऊपर से दिख रहा है, जो एक बात ये आती है कि जब जस्टिस डिलीवर होता है वो सही होता है तो उसको दिखना भी सही चाहिए, वो इशू यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया है, वो इशू यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो जस्टिस जैसा भी हुआ है, सही हुआ है गलत हुआ है, वो दिख सही नहीं रहा क्योंकि वो दिख इम्बैलेंस रहा है, ये एक इशू जरूर है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें ट्रस्ट फिर भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये अल्टीमेट एक इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद कुछ नहीं है, ये हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है और उसके अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट जो पोजिशन पर बैठे हैं सीजीआई उनके अगेंस्ट में एलिगेशन है। इसलिए ये इशू कोई सिंपल इशू नहीं है, एक यूनिक इशू है, एक हम नॉर्मल किसी को माने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक सीजीआई जिनका ओहदा इतना बड़ा है, प्रेसिडेंट के बराबर आप मान सकते हो किसी सेंस के अंदर, जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं होते तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वही नेक्स्ट सबसे बड़े होते हैं जो सीजीआई जो है, और सीजीआई इनको ओथ भी दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को, तो इसलिए भी बहुत बड़ा इशू ये है, ठीक है। तो बात करते हैं आर्टिकल्स की जो मैंने पहले आपको बताई थी। अब बात है वॉक्स पॉपुलाई की, कि निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक अनप्रेसिडेंटेड अभी हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं हुआ है क्योंकि पहले भी एक बार 1996 के अंदर और 480 कैंडिडेट खड़े हो गए थे, और उस टाइम जो वो लोग थे वो सारे एससी और एसटी के ट्राइब्स के जो कैंडिडेट्स थे, और उन्होंने वो उस टाइम पर 250 रुपए की फी भी नहीं डिपॉजिट कर पाए थे, उनको एनजीओज ने और बाकी जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने उन्होंने सपोर्ट किया था और वो खड़े हुए थे सिर्फ अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, अपने इश्यूज को लार्ज स्केल के ऊपर और देश के सामने रखने के लिए वो खड़े हुए थे 480 कैंडिडेट्स, और यहाँ पर 178 कैंडिडेट्स हैं। लेकिन एक बहुत 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 अनफॉर्चुनेट चीज़ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी इस पूरे कैंपेन के अंदर आपको निजामाबाद के जो एक कैंडिडेट्स हैं इनके रिगार्डिंग कोई भी सिंगल बात नहीं किसी ने उठाई है, किसी ने बताया इसके बारे में, सिर्फ द हिंदू पेपर के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडियन एक्सप्रेस इनके अंदर इनका इशू उठा है, बाकी इनका कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। ये कितनी सेंसिटिव इशू है कि वो मजबूर हो गए हैं कि उनका कोई भी स्टेट में कोई इशू नहीं ले रहा है, इसलिए वो बेचारे और अब चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गए। 178 कैंडिडेट जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं एक साथ, तो ऐसे में ये 178 जो लोग इसमें जंप किए हैं ये क्यों किए हैं, इस रीजन के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन कोई भी इसको उठाने को तैयार नहीं है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि कैसे स्मार्ट तरीके से और जो जिन जो जो उनको प्रोपेगेंडा चलाना है, जैसे मैंने सीधा कल बोला था कुछ न्यूज चैनल्स हैं और सीधे सीधे कुछ जो मतलब टोटल इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, वो इतने स्मार्ट हैं कि वो सिर्फ उन्हीं इशूज को जिनको उनका प्रोपेगेंडा चलाना है, जो पार्टीज को फेवर करना है, उन्हीं के इशूज दिखा दिखा के उनको ऐसा महिमा मंडन करके उनका मतलब ऐसा दिखा रहे हैं ताकि ये जो क्रूशियल बातें हैं ये कोई समझ ही ना पाए ना कोई देख ही पाए। अब ये इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा एलिगेशन है कि जो देश में सिस्टम है वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, और बेचारे किसान हैं उनके लिए वो बिल्कुल क्राइसिस ला रहा है सिस्टम, और उसके अगेंस्ट में वो खड़े हो रहे हैं ये सारे इश्यूज को एड्रेस कराने के लिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है जो इसमें दिखता है ये भी इक्वली हाईलाइट होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी गायब है, बिल्कुल गायब है ये पूरे देश के इस डिस्कोर्स से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 1996 से पहले जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे तब 1033 कैंडिडेट्स जो है टोटल और सीट्स के ऊपर खड़े हो गए थे, तो ये भी एक बड़ा इशू था। ये तमिलनाडु में हुआ था और ये वाला अभी जो है निजामाबाद में हुआ है, तो ये सारे इश्यूज हैं रिप्रेजेंटेशन के, लेकिन इनके पीछे रीजन है, ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं सारे के सारे आके, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो एड्रेस अभी भी नहीं हो रहा है, कोई भी देश में इसकी बात नहीं कर रहा है, ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है। अब ये दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बाकी आप शाम के लेसन में आना, उसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम उनको लेंगे, और अभी लेसन थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसलिए थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।